रानी तो जानती है ना, मैं वहां कृष्णा से मिलने नहीं गई थी। मैं तो युवराज का वेट करी थी, पर वो आया ही नहीं। सुहानी, तुझे भी लगता है कि मैं गलत हूँ? तुझे पता है ना कि मैं कितनी परेशान थी, मैंने खाना भी नहीं खाया था। तो अगर ऐसे में कृष्णा मुझे घर लेके आ गया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सर मैम ने कहा ना, अभी तुम इस बारे में मत सोचो। तुम ये ग्लूकोज पियो और आराम करो, हम तुम्हारे लिए तो कुछ खाने को लेकर आते हैं। जी मजा आ गया आज तो। कंग्रेचुलेशंस। कृष्णा को बिरला हाउस में तुमने ही बुलाया था ना? हाँ, कृष्णा का फोन आया था और मैंने ही उसे बोला कि सौम्या को लेकर घर आ जाओ। क्या? सौरभ, तुम ही ने कहा था ना कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकती। हो, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। माँ जी ने शादी के लिए मना कर दिया। शरद, प्यारी मौसी, हमारा प्लान कामयाब हो गया। अच्छा, सुहानी कहाँ है? और भी एक, अरे माँ सौम्य के साथ है, आती हो। अरे अब जब खुशी मना रहे तो हम बाकी भाई लोगों को बुला लेते हैं। आज तो पार्टी बन दी है ना गुरु, सबको बुला के ना, सब मिलके साथ में खुशियां बांटेंगे। मौसी, अरे हमारा प्लान तो सिर्फ इतना था कि कृष्णा और सौम्या एक दूसरे के सामने आ जाए ताकि जो भी गिले शिकवे दूर हो जाए, पर वो दोनों ऐसे आएंगे किसी ने सोचा ही नहीं था। और पता है ये इसलिए हुआ क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं कि युवराज और सुहानी हमेशा साथ में रहे। सो तो है मौसी, क्यों गुरु? सुहानी, वी डिड इट। तुमने देखा कृष्णा कैसे सौम्य के लिए लड़ रहा था और सौम्य भी उसके लिए कितना बुरा फील कर रही थी। अब दादी को समझ आ जाएगा कि सौम्य अपने मन से शादी के लिए राजी नहीं हुई थी। इतनी बड़ी जीत पे एक फ्रेंडली हक तो बनती है, नहीं? सर हक से काम नहीं चलेगा। हमें एक जबरदस्त पार्टी करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है सौरभ भैया, अरे इसलिए हम सारी व्यवस्था इंतजाम कर दिए। चलो 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 जल्दी। नहीं नहीं भैया, अगर किसी ने देख लिया तो? अरे भाभी कोई कैसे देखेगा, सब सोए रहे। अरे चलो चलो चलो। यस भैया भैया, यस यस, ये ले ले। अरे नहीं, अरे भैया पीना, भैया आपको पीनी, आप पियो, मेरा मन नहीं है। अरे आज के रात एक दो घूंट बनते हैं, चल पी पी पी। अरे नहीं, ये ना लूजर है। ओके ओके ओके, चलो भाई। ओ अब थक गए, अब चल के थोड़ा आराम कर लेते हैं। चलो चलो चलो, उठो। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ आराम से, गुड नाइट। चल गुड नाइट, जरा दोनों को संभाल के कमरे तक। गुड नाइट, हाँ चल चल, गुड नाइट, बाय। मजा आया, कमरे में छोड़ते हैं। युवराज, तुमसे कुछ बात करनी है। कहो।
सौरभ पी के आए हो? इतनी पीते ही हो जब संभलती नहीं है। आई स्वीटो में ज्यादा पी लिया। ये तो अच्छा है कि तुम्हें मुझ जैसी स्मार्ट बीवी मिली है, वरना ये सुहानी या मेनका टाइप्स किसी लड़की के साथ होते तुम। स्मार्ट तो तुम हो स्वीटो, पर है ना मेनका जैसी सुहानी जितनी स्मार्ट नहीं हो तुम। क्या? मैं तुम्हें कब से बेवकूफ बनाता आ रहा हूं पता ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ ठीक है, मैं बकवास कर रहा हूँ। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। रैग्स सर, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? क्यों बताओ, तुम तो बहुत स्मार्ट हो ना, तो खुद ही पता करो। बताओ ना, तुम अपनी रेक्स को भी नहीं बताओगे? अचानक इतना प्यार कैसे आ गया तुम्हारे अंदर मेरे लिए? हैं सौरभ प्लीज। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि ये शादी क्यों टूटी? कोर्स मेरी वजह से। मैंने दादी को सौम्या के खिलाफ भड़काया और कृष्णा को यहाँ बुलाया क्योंकि मैं उसको इस घर से बाहर निकालना चाहती थी। ये सारी मेरी प्लानिंग थी। सो बस यही तो तुम फेल हो गई रागनी। मतलब तुम हंस क्यों रहे हो सौरभ? तुम एक काम करो, तुम अपनी खुश फहमी में खुश रहो, मैं चला तू नहीं। सौरभ, सौरभ क्या मतलब है तुम्हारा? सौरभ तुम हंसे क्यों, बताओ? क्या यार रैक्स, क्यों इरिटेट कर रही हो? मैं क्यों बताऊं? मैं जान पूछ के तुम्हें हम आगे खिलाफ क्या? सौरभ, सौरभ उठो, उठो सौरभ। क्या किया तुम बताओ? तुम्हें सौम्या के खिलाफ मैंने जान पूछ के भड़काया ताकि तुम ये सब दादी और ये रो बड़गान, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है। I don't love you. तो मैंने पानी के लिए किया है। ये तो तुम्हारा प्लान नहीं था, ये हमारा प्लान था जी, हमारा। तुम्हें यूज किया हमने, तुमसे शादी तोड़वाई, हमने तुम्हें उल्लू बनाया रैग। तो बताओ सौरभ कि और कौन कौन है इस प्लान में? कौन कौन क्या था? सब है, सब साथ में, सबने जानबूझ के सौम्या को भड़काया ताकि तुम सब लड़ते रहो और ये शादी टूट जाए। और ये शादी टूट गई। सौरभ उठो, सौरभ उठो। वाओ, बहुत अच्छा गेम खेला तुमने, पर ये सब तुमने किया कैसे? क्या मतलब कैसे किया है? कर लिया। आज के बाद है ना एक बात याद रखना तुम, मिस रागनी बिरला, तुम है ना अपने आप को मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट मत समझना, और अब बिरला है ना तुमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, समझी तुम?
अब मैं कैसे मान लूं कि तुम स्मार्ट हो? हा? तुम्हें अपनी स्मार्टनेस तो प्रूव करनी पड़ेगी ना। प्रूफ चाहिए तुम्हें? क्या लगता है ये कि सौम्या ने अपने आप कर लिया? तुम्हें उसका वो रैशेस वाला याद है? हाँ, तब हमने कराया था, सारी प्लानिंग हमने की थी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।